मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 5 बजे मंडे टू मंडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल जो कि आपके आने वाले देश के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर जरूर करते होंगे ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें। और इसके अलावा दोस्तों, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, 7 तारीख को शाम में 7 बजे लाइव आना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि आने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, मैंने आपके लिए वन लाइनर जो करंट अफेयर है, वन लाइनर करंट अफेयर मैंने आपको जून का जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया है वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल के ऊपर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 2.0 चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। कल मैंने डाला था इसको वन लाइनर जून का, तो आप वहां से देख लीजिएगा, वहां से आपका जून का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था। कौन वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है? गजेंद्र सिंह शेखावत है जो कि अभी प्रेजेंट में क्या है, जल शक्ति मंत्री है। यह बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र ने BLA को एक आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया है, BLA का मतलब क्या है? अभी अमेरिका ने रिसेंटली क्या किया, एक और ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट जो है वो घोषित किया है, और ये कौन सी है, यह बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी, BLA। तो बलूचिस्तान वाला कौन सा एरिया है, पाकिस्तान का जो सदर्न वेस्टर्न एरिया है उसको हम बलूचिस्तान कहते हैं। तो वहां का एक ग्रुप है जिसको आतंकवादी संगठन नामित किया गया है और वो पाकिस्तान से काफी लड़ रहा है, ठीक है। काफी टाइम पहले मोदी जी ने भी इनकी आवाज उठाई थी और आपको मालूम है काफी सपोर्ट है जो कि उनको मिलने लगा था। तो बलूचिस्तान के प्रांत के अंदर काफी मिनरल्स हैं जो कि पाकिस्तान ने काम में ले लिए, लेकिन वहां का डेवलपमेंट जो है वो आज भी वैसा का वैसा ही है जैसे कि 50 साल पहले था। तो उस चीज को लेकर हमेशा से वो पाकिस्तान प्रशासन से लड़ता हुआ आया है। टर्म इंश्योरेंस की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने टर्म इंश्योरेंस की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, और आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, एयरटेल पेमेंट बैंक ने दोस्तों पार्टनरशिप करी है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ में, ताकि वो क्या कर सके, एक्सा लाइफ POS सरल जीवन बीमा योजना जो है वो पहुंचा सके। तो एयरटेल पेमेंट बैंक आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। और काफी सारे बच्चों को पेमेंट बैंक और नॉर्मल पेमेंट बैंक के बीच में अंतर भी नहीं पता होगा, हालांकि जब ये पेमेंट बैंक आए थे ना, ठीक है, तब मैंने इनके बारे में बताया था काफी कुछ, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि पेमेंट बैंक होते क्या है। तो दोस्तों, एक्चुअली में नॉर्मल बैंक और पेमेंट बैंक के बीच में अंतर ये होता है कि जो पेमेंट बैंक है नए मॉडल बैंक है जो कि RBI ने सेटअप करे हैं। इसके अंदर क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है कि 1 लाख रुपए पर कस्टमर से ज्यादा जो है वो इसके अंदर पैसा नहीं डाल सकते हो। ये लोग जो है पेमेंट बैंक, वो आपको कभी भी लोन ऑफर नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो कम इन्वेस्टमेंट से जो है ये बैंक सेटअप हो सकते हैं और लोगों तक जो है बैंकिंग सुविधा पहुंचाने को लेकर यहाँ पे पेमेंट बैंक की शुरुआत करी गई थी। कई सारे पेमेंट बैंक है, एयरटेल ने भी शुरुआत करी और भी बहुत सारे बनाए गए थे। करंट और सेविंग अकाउंट आप इसके अंदर ओपन कर सकते हो, आपको ATM, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब तो आपको यहाँ पे मिलता है। और देश में फर्स्ट लाइव पेमेंट बैंक जो बना था ना, वो कौन सा था, भारतीय एयरटेल पेमेंट बैंक ही था जो कि बना था। 2013 के अंदर एक नशिकेत मोर कमिटी बनी थी, नशिकेत मोर, उन्होंने बोला था पेमेंट बैंक को लेकर, उनके रिकमेंडेशन के बाद में, कमिटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके बाद में जो है ये बैंक की शुरुआत है जो कि करी गई थी। प्रेजेंट के अंदर दोस्तों अगर मैं बात करूं, 41 एप्लीकेंट थे जिन्होंने RBI ने अप्रूवल दिया था लाइसेंस के लिए, मतलब 41 में से अगर मैं बात करूं तो 41 में से नियर बाय ये मान के चलिए 11 के आसपास थे
जिन्होंने पेमेंट बैंक की ओपनिंग करी और अभी कोई नियर बाय 7-8 ही बचे हैं जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं, समझ गए। तो ये सब भी आपको पेमेंट बैंक से रिलेटेड ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। BSNL, बहुत ही बुरे हालात है दोस्तों BSNL के और MTNL के राइट नाउ, बहुत ज़्यादा घाटे में जो है वो चल रहा है। और BSNL दोस्तों पुरानी है, BSNL की बात करूँ अगर, ठीक है, तो 2000 के अंदर इसका फॉर्मेशन जो है वो किया गया था। और इसके अलावा हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है, और जियो और काफ़ी कंपनी आने के बाद में जो है काफ़ी मुश्किल हो गई है इनको सर्वाइव करने को लेकर, ठीक है। BSNL MTNL के लिए अभी बेल आउट भी मांगा है सरकार ने, तो गवर्नमेंट ने MTNL के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है PK पुरवर, उनको CMD बनाया है BSNL के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 500 से अधिक रन बनाने और एक ही विश्व कप में 10 विकेट लेने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 10 भी विकेट लिए और 500 रन भी बनाए हैं, ऐसा करने वाला कौन सा प्लेयर है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों कल भी आपने मैच देखा होगा कि जबरदस्त 50 जो है वो बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने मारी है और फर्स्ट प्लेयर बन गए हिस्ट्री में वर्ल्ड कप में जिन्होंने 500 रन और 10 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आंसर क्या हो जाएगा, शाकिब अल हसन जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हैदराबाद सेलिंग वीक के 34वें संस्करण का उद्घाटन किस झील में किया जाएगा। हैदराबाद की अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो हैदराबाद के अंदर जो बहुत ही फेमस है, ठीक है, वो कहाँ पे हो रहा है, ये हुसैन सागर लेक, बहुत ही फेमस लेक है यहाँ की, तो वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया है। ये चैंपियनशिप जो है वो हर साल होती है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में, जिनको हम ट्विन सिटी के तौर पर भी जानते हैं। और गवर्नर जो है तेलंगाना के, ये साल अनवासिमन जो है उन्होंने इसको इनोग्रेट किया। आंसर हो जाएगा आपका हुसैन सागर झील है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे विस्पर ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक हैं। विस्पर ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक आपको बताना है, और कृष्णा सक्सेना है जिन्होंने इस किताब को अभी लॉन्च किया दिल्ली के अंदर। DU के जो है वो प्रोफेसर है, फर्स्ट वुमेन कैंडिडेट है उत्तर प्रदेश की, जिन्होंने PhD डिग्री ली कहाँ से, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर 1955 के अंदर। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, कृष्णा सक्सेना। अगला सवाल है, जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किसने 30 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद वाणिज्यिक वेल शिकार को फिर से शुरू किया है, यानी कि कमर्शियल वेलिंग, वेल को जो है ये लोग पकड़ के लाएंगे, उसको बेचेंगे, और ये वापस से 30 साल बाद में जापान ने जो है इसकी शुरुआत है जो कि कर दी है, ओके। और इंटरनेशनल वेल जो कम्युनिटी है उससे भी इन्होंने नाम वापस ले लिया है। हाल ही में सरकार ने अस्फा के तहत 6 से अधिक महीनों तक के लिए निम्नलिखित में से किस अशांत क्षेत्र किसे घोषित किया है। तो अगर मैं अस्फा की बात करें, और अभी रिसेंटली दोस्तों कहाँ पे लगा है, नागालैंड के अंदर लगा है, नागालैंड को जो है वो डिस्टर्ब एरिया करार दिया गया है, 6 महीने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। आपको अस्फा के बारे में भी बताऊँ, थोड़ा सा जानकारी देता हूँ मैं दोस्तों, 1958 के अंदर जो है अस्फा जो है वो लगाया गया था। इससे क्या होता है, मिलिट्री को पावर मिल जाती है कि वो किसी को भी चेकिंग कर सकते हैं कभी भी, और कोई सर्च वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत पड़ने में गोली भी चला सकते हैं। तो डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर जो है वो अस्पा लगाया जाता है, ओके। और अगर एक बार डिस्टर्ब एरिया लग गया तो 3 महीने तक के लिए वहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है, ओके। तो ये भी आपको यहाँ पर बात ध्यान रखनी है, समझ गए। कई सारे नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर यहाँ पर सगी भी जगह पर जो है वो अस्पा जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भैया बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग जो है उसके ऊपर बैन लगाने वाला कौन सा है, न्यूजीलैंड है, ठीक है। जैकिंडा है जो कि यहाँ की PM है, और न्यूजीलैंड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, जिन्होंने सिंगल यूज जो है प्लास्टिक बैग का वो यहाँ पे बैन कर दिया है, ओके, ठीक है। कैपिटल की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन, और जैकिंडा यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। पॉपुलेशन बहुत ही कम है, कोई 50 लाख के आसपास ये मात्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्नलिखित में से किस देश ने IBSF स्नूकर विश्व कप जीता है। IBSF स्नूकर विश्व कप जो है वो किसने जीता है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे।
महत्वपूर्ण सवाल, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके से वीडियो जो है देखते रहें और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाते रहें। 8 बजे वाली क्लास में जरूर आएगा, काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि मैं आपको 8 बजे वाली क्लास में करवा रहा हूं। इसके अलावा आपको कुछ बातें और बता देता हूं, अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है दोस्तों तो आप जो LTPC क्लास है उसके अंदर सुबह 9 बजे ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में अगर आपको करंट अफेयर पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं करंट अफेयर के, जैसे कि योजना को लेकर, अवार्ड्स को लेकर, बुक्स को लेकर, तो आप दिन में 1 बजे ग्रुप डी की क्लास है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर मैं किसके बारे में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो टॉपिक है उनके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो 9 बजे और 1 बजे भी आप देखकर अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। साथ में शाम को 7 बजे 7 तारीख को लाइव आना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।